नाउ अभी हमने साइन कन्वेंशन को समझने की कोशिश की, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कि लेंस में किस तरह से अप्लाई होता है। अब ये समझने की कोशिश हमने बेसिकली क्यों की, बिकॉज हमें इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है। इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, पोल से किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मे बी बिटवीन फोकस एंड पोल और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पोजीशन उसकी रखी हुई है, तो उस पोजीशन पे रखे होने से इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे फॉर्म होगी हमें ये पता करना है। अभी हमने जो इमेजेस का पता किया, जो साइन कन्वेंशन रे डायग्राम्स हमने बनाए, रे डायग्राम्स में हमें सिर्फ इतना पता चला कि इमेज का नेचर कितना होगा, नेचर कैसा होगा। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज का नेचर किस तरह से होगा और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। लेकिन दीज पोजिशंस आर रिलेटिव पोजिशंस, हमने एग्जैक्टली नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। बिकॉज फोकस और पोल के बीच में भी देखा जाए तो बहुत सारे डिस्टेंसेज हैं, इट्स अ डिस्टेंस, उसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को किस पोजिशन पे रखने पे इमेज कहाँ बनेगी, इस चीज को हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे दैट इज नोन एज लेंस फॉर्मूला, जिसकी मदद से हम ये बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पे इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है। सो जस्ट ट्राई टू डिराइव दिस फॉर्मूला। फर्स्ट वी विल टेक अ कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम ये बता पाएंगे दिस इज पोल, दिस इज लेट्स से एफ टू, दिस इज टू एफ टू, सो लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम एक लेंस लेंगे और एक ऑब्जेक्ट। एक लेंस हमने लिया दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस और एक ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रख के, जैसे कि यहाँ पे हमने F1 और 2F1 के बीच में अज्यूम करा, तो आप ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में अज्यूम करके यू विल फाइंड कि एक इमेज फॉर्म होगी ऐसा कुछ। नाउ अब इस इमेज की दूरी एग्जैक्टली इस पोल से कितनी है, हमें ये चीज़ निकालनी है। हमारा टास्क सिर्फ इतना सा है कि पोल से इस पॉइंट की दूरी, दैट इज बी डैश, बी डैश क्या है, इस इमेज का बैक, इस इमेज का बॉटम नीचा। एंड सिमिलरली यहाँ पे बी क्या है, बी इज द ऑब्जेक्ट का बॉटम। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी विल ट्राई टू अज्यूम सम एंगल्स बिटवीन दिस रे डायग्राम। कैसे एंगल्स, लेट्स से अगर आप देखें तो ए बी पी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी पी, आई विल राइट, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी को ध्यान से अगर हम देखें, अब आप पूछेंगे ये ट्राइंगल हमने यही क्यों लिए, दिस इज हिडन ट्रायल। हमने क्या करा, हमने जितने ट्राइंगल्स यहाँ पे हमें दिख सकते हैं सभी ट्राइंगल्स को बना के देखा, जैसे कि ट्राइंगल ए एंड दिस, लेट से दिस पॉइंट इज सी, तो ट्राइंगल ए सी ए ए डैश भी बन रहा है, ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन हमने स्पेसिफिकली इनको क्यों लिया, हमने इनको इसलिए लिया क्योंकि हमें कुछ डिराइव करना है जो कि रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है इससे, दैट इज ए डैश बी ए बी से, देन ए डैश बी डैश से, देन बी डैश पी से और बी पी से। बिकॉज ऑब्जेक्ट की दूरी है, इमेज की दूरी है, ऑब्जेक्ट की हाइट है और इमेज की हाइट है, इस बारे में हम रिफ्लेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, सो यू विल फाइंड कि एंगल ए बी पी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश पी एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल, सॉरी दिस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर होंगे बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट को सीधा, एकदम सीधा रखा है, हमने ऐसा माना है कि ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, टिल्टेड नहीं है, नॉट लाइक दिस नॉट लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट इज वेरी स्ट्रेट। और इस वजह से उसकी इमेज जो फॉर्म होगी, दैट इमेज विल ऑल्सो बी स्ट्रेट, दैट्स वाई दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। नाउ देन अगर हम ध्यान से देखें तो ट्राइंगल ए बी पी, दिस इज ट्राइंगल एंड ए डैश बी डैश पी में एक ये वाला एंगल भी हमें दिखाई देता है, दैट इज एंगल ए पी बी एंड एंगल ए डैश पी बी डैश, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल एंड बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिखाई देंगे, दैट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन सी लाइन है, दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड ए ए डैश, इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो आई विल से कि ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, दैट यू विल स्टडी इन मैथ्स, इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, दैट यू विल स्टडी इन मैथ्स। हमने थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में जरूर डिस्कस किया था, बट
डीपली जब आप इसे समझना चाहते हैं, सो आपके मैथ्स में ज्योमेट्री के सेक्शन में सिमिलर ट्राइंगल्स एक चैप्टर होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स, यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दैट चैप्टर. ओके, सो हेयर वी विल टेक अजम्पशन. हेयर आई विल डायरेक्टली राइट, यहाँ हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देन आई विल राइट कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी दिस ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी. क्योंकि ऐसा होता है, हमने सीखा था कि सिमिलर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो बिल्कुल बराबर होता है. यहां पे मुझे ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, और दैट्स वाई उन दोनों के साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा. साइड कौन सी? साइड मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, जैसे कि ए बी और ए डैश बी डैश कॉरस्पॉन्डिंग साइड है. Why? Because दोनों 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे लाई कर रही है. अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक्सिस के, इस लाइन के दोनों ही परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो इसीलिए हम ये रिलेशन लिखेंगे कि इसका और इसका डिवीजन एंड इस साइड का देन इस साइड का डिवीजन बिल्कुल बराबर होगा. एंड आई विल गिव दिस एज इक्वेशन नंबर वन. This is equation one. अभी हमने दोनों ट्राइंगल्स अज्यूम करे, कौन से ट्राइंगल्स? ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी. नाउ वी विल टेक ट्राइंगल सी पी एफ टू. नाउ इन ट्राइंगल आई विल राइट नाउ सी पी एफ टू एंड ए डैश बी डैश एफ टू. सी पी एफ टू मीन्स दिस ट्राइंगल एंड ए डैश बी डैश एफ टू मीन्स दिस ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ टू. इन दीज टू ट्राइंगल्स ऑल्सो यू विल फाइंड कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. वाई? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री. सो आई विल राइट एंगल सी P F2 will be equals to angle A dash B dash F2. This will be equals to 90 degree. ये दोनों angles बिल्कुल 90 degree के बराबर होंगे. Then you will find these two angles also. ये दो angles और हमें दिखाई दे रहे हैं. I will write angle C F2 P will be equals to angle A dash F2 B dash. A dash F2 and B dash and C F2 P. These two angles are also equal because vertically opposite angles. Because these two also are vertically opposite angles. So, अगर ऐसा है तो दोनों triangles similar हैं. That is CPF2 will be similar to triangle A dash B dash F2. CPF2 और A dash B dash F2 भी बिल्कुल similar है. So it means अगर दोनों triangle similar है तो दोनों का sides के corresponding sides के ratios भी बराबर होंगे. Corresponding sides कौन सी है? CP और A dash B dash. So चलिए लिख देते हैं. CP और A dash B dash, then PF2 और B dash F2, ये दोनों भी corresponding sides है. It means this ratio will be equals to PF2 upon B dash F2, and I will say this is equation 2. Now
अब अगर हम इस डायग्राम को क्लोजली वॉच करें, सो यू विल फाइंड कि ए बी जो ऑब्जेक्ट है, ए बी से हमने एक रे मानी जो कि इस तरह से मूव कर रही है और फोकस से पास हो रही है। अगर ये रे ए सी रे फोकस से पास हो रही है, इट मीन्स ये रे हमने एक पैरेलल रे अज्यूम की है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। इट मीन्स बी पी और ए सी जो लाइन है, ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल हैं एक दूसरे के। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ऐसा हमने सीखा है कि दो पैरेलल लाइंस हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हैं। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो दोनों लाइंस हो सकता है मीट कर जाए। लेकिन इस वक्त अगर ए सी और बी पी लाइन पैरेलल हैं तो आई विल से कि इन दोनों के बीच की जो भी दूरी होगी, दैट दूरी दैट डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। सो अगर ऐसा होगा तो हम देख सकते हैं कि ए बी का डिस्टेंस इतना ही होगा, इतना ही होगा एंड इतना ही होगा, एंड आई विल से ए बी और सी पी बिल्कुल बराबर होंगे। सो आई विल से ए बी विल बी इक्वल्स टू सी पी बिकॉज ए सी इज पैरेलल टू बी पी। दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी, पैरेलल होने की वजह से दोनों के बीच में डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। अब अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें, सो आई विल से कि सी पी यहाँ पे जो लिखा है उसकी जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ। आई कैन से सी पी की जगह ए बी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि सी पी इज इक्वल टू ए बी। सो आई विल राइट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू पी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू, एंड आई विल से दिस इज इक्वेशन थ्री। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर थ्री। आप देख सकते हैं ए डैश ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू। बट अगर हम ध्यान से देखें, सो आई विल से कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को जब रिलेट किया जाए देन कुछ रिजल्ट निकल के आता है। आई विल से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री, जब आप वन एंड थ्री इक्वेशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, सो यू विल फाइंड पी एफ टू और आई विल से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू पी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू विल बी इक्वल्स टू, यहां से हम देख सकते हैं इट विल बी इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी दिस एक्सप्रेशन। वी विल यूज ओनली दिस मच, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे। देन आई विल से कि अगर हम इसको यूज करें और इसको पलट दें, इसको रिवर्स कर दें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा बी डैश एफ टू अपॉन पी एफ टू इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन पी पी। अगर उस चीज को हम ध्यान से देखें, हमने यहां पे कुछ नहीं किया, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को उठा के ऐसा रिवर्स लिख दिया, ऐसा घुमा के, तो बी एफ टू जो नीचे था वो ऊपर आ गया और पी एफ टू जो था वो नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, बी डैश पी जो था वो नीचे से ऊपर चला गया और बी पी नीचे आ गया। नाउ इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व देन वॉट इज पी एफ टू, पी एफ टू आई विल से PF2 is basically the focal length of this lens. PF2 क्या है? इस convex lens की एक focal length है. Second principal focus है F2, और pole से इसकी दूरी will be known as focal length. So I will say, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि PF2 is equals to F2, which is focal length.
एफ टू इज इक्वल टू फोकल लेंथ, और यू कैन यूज एफ बिकॉज हम ये मान सकते हैं कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस है इसके दोनों सरफेसेस का फोकल लेंथ बिल्कुल बराबर है. मींस ये वाली जो सरफेस है इसका फोकल लेंथ एफ है पी एफ टू, और ये वाली सरफेस का पी एफ वन जो है दीज टू आर इक्वल, एफ एंड एफ दोनों ही बराबर लेंथ के हैं. सो अगर दोनों बराबर लेंथ के हैं इट मीन्स पी एफ टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एफ टू की जगह आई कैन राइट एफ इन दिस डायग्राम इन दिस एक्सप्रेशन आई कैन राइट पी एफ टू की जगह एज एफ. नाउ वॉट इज बी पी, बी पी इज बेसिकली दिस डिस्टेंस, दिस वन बी एंड पी, एंड वॉट इज दिस डिस्टेंस, आई विल से दिस पॉइंट बी इज बेसिकली द बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस पॉइंट बी इज बेसिकली द बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का बॉटम है और पी क्या है पोल. सो पोल से बॉटम की दूरी विल बी नोन एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस पोल से एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. सिमिलरली अगर बी डैश पी की बात की जाए, सो वॉट इज बी डैश पी, बी डैश पी इज बेसिकली दिस डिस्टेंस. वॉट इज बी डैश, बी डैश है इमेज का बॉटम, जो आप इमेज फॉर्म कर रहे हैं उस इमेज का बॉटम, उसका नीचे का पॉइंट, और इस बी डैश की दूरी पोल से जो होगी दैट विल बी नोन एज इमेज डिस्टेंस. हमने रिफ्लेक्शन के केस में डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई विल से दिस इज बेसिकली वी, दिस इज बेसिकली वी दैट इज इमेज डिस्टेंस. सो हम इन वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करने की लेट से कोशिश करते हैं. दिस विल बी बी एफ बी डैश एफ टू एज इट इज, और यू कैन से व्हाट अबाउट बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू की जगह आई कैन राइट बी बी डैश पी, दिस दिस डिस्टेंस बी डैश पी माइनस एफ टू पी, आई कैन से बी डैश एफ टू इज बेसिकली बी डैश पी माइनस एफ टू पी अपॉन पी एफ टू एज इट इज इक्वल्स टू अपॉन बी पी. बाकी के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम, बस एक रेशो बी डैश एफ टू की जगह हमने बी डैश पी माइनस एफ टू पी करके लिख दिया. नाउ वॉट, नाउ नेक्स्ट इज अगर हम ध्यान से देखें तो सभी वैल्यूज जो वहां पे लिखी हैं, सभी लेंथ जो लिखी हैं बी डैश पी एफ टू पी एफ देन बी पी, ये सभी लेंथ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वी यू और एफ के फॉर्म में. जैसे कि अगर बी डैश पी को देखा जाए, सो बी डैश पी सबसे ऊपर इज दिस वन, दिस इज वी. नाउ यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली एफ वी एंड यू, यू नीड टू फॉलो द साइन कन्वेंशन. हमें यहां पे साइन कन्वेंशन बिल्कुल फॉलो करके चलना है. सो अगर बी डैश पी की वैल्यू देखी जाए, सो बी डैश पी इज दिस वैल्यू एंड दिस इज वी, इसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस साइन विल बी पॉजिटिव. व्हाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट से सॉरी इमेज के लिए मुझे जाने के लिए, इमेज तक जाने के लिए मुझे पोल से राइट हैंड साइड में चलना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा एंड दिस डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन. व्हाई दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, बिकॉज लाइट रे इस तरह से आ रही है, इस तरह से मूव कर रही है. तो पोल से अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तब मैं बी डैश पे पहुंच पाऊंगा. सो आई विल से कि दिस डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव. सो इट मींस इस बी डैश पी की जगह आई कैन राइट प्लस वी माइनस, देन व्हाट अबाउट एफ टू पी, एफ टू इज द सेकेंड फोकल लेंथ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. तो पोल से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस तक पहुंचेंगे. सो इट मींस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव. सो आई विल से एफ टू
पी दिस दिस डिस्टेंस एफ टू पी विल ऑल्सो बी पॉजिटिव डिस्टेंस. सो माइनस एंड आई कैन से दिस इज एफ टू सॉरी एफ डिवाइडेड बाय एफ टू पी अगेन सेम डिस्टेंस एफ टू पी. सो एज इट इज आप इसको यहां लिख सकते हैं प्लस एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज बी डैश पी. अभी हमने देखा बी डैश पी इज प्लस डिवाइडेड बाय व्हाट इज बी पी. अगर हम ध्यान से देखें सो व्हाट इज बी पी. बी पी इज बेसिकली पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी. और यहां पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में चलना है दिस डायरेक्शन दैट इज लेफ्ट. लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है इट मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. सो यू की जगह हम लिखेंगे बीपी की जगह हम लिखेंगे माइनस ऑफ यू. इन केस ऑफ बीपी यू विल राइट इट एज माइनस ऑफ यू. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस. जब हम इसे इधर से उधर मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट माइनस वी इंटू यू प्लस एफ इंटू यू विल बी इक्वल्स टू वी इंटू एफ. दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड हेयर एंड दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड हेयर. आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. नॉट डिवाइड दिस एक्सप्रेशन u इंटू वी इंटू एफ. अब इस एक्सप्रेशन को u इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड कर दीजिए एंड फाइनली यू विल गेट 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन u. एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला विल बी नोन एज लेंस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो तीन टर्म्स आते हैं दैट इज फोकल लेंथ इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. इट मींस जो इमेज और ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहे हैं जो इमेज फॉर्म हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की उस इमेज का डिस्टेंस डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे भी. आप जो लेंस ले रहे हैं उसका फोकल लेंथ कितना है क्या वो ज्यादा है या वो कम है इस बात पे भी निर्भर करेगा कि आपका फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म होने वाला है. सो यू कैन नोट दिस. सो हमने अभी लेंस फॉर्मूला नाम का एक फॉर्मूला डिराइव किया जिस फॉर्मूले की मदद से हम ये बता सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज उसकी कहां पे बनेगी और वो इमेज डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे भी. इस चीज को हम थोड़ा सा और डीप में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ इमेज का डिस्टेंस बताया लेकिन अगर मुझे इमेज का साइज भी बताना है. साइज मींस कि पर्टिकुलरली अगर कोई इमेज है तो वो इमेज किसी पर्टिकुलर दूरी पे बनती है किसी ऑब्जेक्ट की इमेज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनती है तो उस इमेज का साइज कितना होगा क्या उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा या ऑब्जेक्ट से छोटा होगा. इस बड़े और छोटे साइज का जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हमने अलग अलग रे डायग्राम्स की मदद से इमेज फॉर्मेशन सीखा. वहाँ पे हमने देखा था कि हर केस में हमने इमेज का नेचर ज़रूर बताया जैसे कि इमेज रियल होगी इन्वर्टेड होगी इरेक्ट होगी वर्चुअल होगी या डिमिनिश्ड होगी या मैग्निफाइड होगी इस बारे में हमने डिस्कस किया. लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट को लेट से फोकस सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और आई कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो हमने कहा कि जो इमेज फॉर्म होती है दैट इमेज इज अ लार्ज इमेज एंड लार्ज इमेज मैग्निफाइड इमेज वो इमेज बड़ी फॉर्म होती है. लेकिन बड़ी कितनी बड़ी कोई पर्टिकुलर साइज तो होगा 10 टाइम्स बड़ी 20 टाइम्स बड़ी 5 टाइम्स बड़ी कितनी बड़ी. तो ये जो रिलेशन है ये निकालने के लिए कि बेसिकली इमेज का एग्जैक्टली साइज क्या होगा हमने इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन तो पता लगा ली लेंस फॉर्मूला यूज करके लेकिन इमेज का एग्जैक्ट साइज भी हमें बताना जरूरी है. तो ये बताने के लिए हम यूज करेंगे एक टर्म दैट इज नोन एज लीनियर
मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। लीनियर मैग्निफिकेशन एम होता है एच टू अपॉन एच वन, वेयर एच टू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज एंड एच वन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच वन एच टू होता है हाइट ऑफ इमेज एंड एच वन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिटन एज वी अपॉन यू, वेयर वी इज इक्वल्स टू distance of image and u is equals to distance of object. ये चार terms हमें help करती हैं magnification को जानने में। magnification मतलब कोई object कितना बड़ा है, कितना छोटा है या कितना बड़ा है, ये पता करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं मैग्निफिकेशन को। अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो H2 जो है वो इमेज ऑफ हाइट, हाइट ऑफ इमेज है, मतलब इमेज की हाइट कितनी होगी वो H2 से रिप्रेजेंट होगी एंड ऑब्जेक्ट की हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय H1। लेट अस से कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि H1 दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेट से 10 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट मैंने किसी लेंस के सामने लाके रखा। अगर इसकी इमेज फॉर्म होती है और उस इमेज का साइज 5 सेंटीमीटर्स होता है तो इमेज को क्या हुआ, क्या इमेज बड़ी हुई क्या इमेज छोटी हुई? ऑब्वियसली आई विल से कि इमेज छोटी हो गई, 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, अब वो इमेज में 5 सेंटीमीटर का रह गया। तो इट मीन्स अगर मैं H1 निकालूं तो H1 विल बी 10 सेंटीमीटर्स एंड H2 विल बी 5 सेंटीमीटर्स। सो जब मैं H2 अपॉन H1 करूंगा एंड आई विल से कि जब H2 अपॉन H1 करेंगे तो यू विल गेट M। M इज द मैग्निफिकेशन और इस M का वैल्यू 1 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? बिकॉज H2 छोटा है। एक फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है। एक फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है देन वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा कंपेयर टू न्यूमरेटर। लेकिन इस केस में अगर H2 5 सेंटीमीटर हो जाता है और H1 10 सेंटीमीटर रहता है सो यू विल गेट एम एस लेस देन 1। तो जब भी हम मैग्निफिकेशन करेंगे आई विल से इफ इमेज इज स्मॉल और डिमिनिश्ड अगर इमेज छोटी है और या फिर कहें डिमिनिश्ड है तो हम कहेंगे कि H2 जो होगा वो लेस देन H1 होगा। और जब H2 लेस देन H1 होगा तो इट विल इम्प्लाई कि मैग्निफिकेशन भी लेस देन 1 होगा। और अगर इमेज इज एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड है, अगर इमेज एनलार्ज होगी और मैग्नीफाइड होगी देन यू विल फाइंड H2 विल बी ग्रेटर देन H1। मीन्स अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा 10 सेंटीमीटर्स का है और इमेज ऐसी 20 सेंटीमीटर्स की फॉर्म होती है देन आई विल से इमेज इज एनलार्ज्ड। एनलार्ज इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा होगा। इट मीन्स
जो मैग्निफिकेशन हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दैट मैग्निफिकेशन विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन वन। लेकिन हमने एक स्पेशल केस देखा था, जब मैं ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूँ तो उसकी इमेज किसी कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो फॉर्म होती है वो भी एग्जैक्टली दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होती है और इन्वर्टेड होती है और सेम साइज की होती है। तो इट मीन्स अगर इमेज जो हो वो सेम साइज की हो, सेम साइज की इमेज मतलब H2 विल बी इक्वल्स टू H1, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आई विल से मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू 1। तो मैग्निफिकेशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो बड़ी है या छोटी है। लेट्स से मैं कहता हूँ मैग्निफिकेशन इज 7.8 या 7.9 व्हाटएवर। तो 7.8 मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? 7.8 मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अगर 7.8 लेट्स से 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो 78 सेंटीमीटर की फॉर्म होगी। इट मीन्स 7.8 मैग्निफिकेशन सेज कि जो इमेज है वो 7.8 टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे 2 है अगर मैग्निफिकेशन किसी का तो 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर का दिखाई देगा, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। मीन्स जो साइज है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सीधा डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिकली मैग्निफिकेशन। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन देखें तो लेट से अगर मैं कहता हूँ कि मैग्निफिकेशन इज 0.7, तो 0.7 मैग्निफिकेशन मतलब दिस मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। 0.7 जो नंबर है वो 1 से छोटा है, तो आई विल से कि वहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही होगी वो इमेज डिमिनिश्ड होगी। 0.7 मैग्निफिकेशन मतलब एक 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आपको 7 सेंटीमीटर में दिखाई देगा। कि कैलकुलेशन किस तरह से होती है हम उसको फर्दर सीखेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि मैग्निफिकेशन किस तरह से होगा। मैग्निफिकेशन इस तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं। नाउ अब इमेज के बेसिस पे कैसे मैग्निफिकेशन डिसाइड करें। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा लेट से सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अपोजिट साइड में एक इमेज फॉर्म होती दिखाई देती है और वो इमेज एक रियल इमेज होती है, एक इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होती है। अगर इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है तो इमेज की हाइट पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव? इमेज की हाइट शुड बी नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट शुड बी पॉजिटिव क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है। आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे इमेज नीचे की तरफ फॉर्म होगी, आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ रखेंगे ऑब्जेक्ट इमेज ऊपर की तरफ फॉर्म होगी। मीन्स हमेशा इमेज तो इन्वर्टेड ही मिलने वाली है। सो अगर मैं H1 और H2 के बीच में रिलेशन देखूं तो H1 को अगर मैं पॉजिटिव देता हूं, ऊपर की तरफ रखता हूं, तो पॉजिटिव H1 और H2 जो होगा H2 विल बी नेगेटिव क्योंकि वो नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। तो जब मैं H2 अपॉन H1 करूंगा सो दिस टर्म विल बी अ पॉजिटिव टर्म एंड दिस टर्म विल बी अ नेगेटिव टर्म। सो आई विल से कि जब रियल इमेज फॉर्म होती है फॉर रियल इमेज, जब भी रियल इमेज फॉर्म होगी यू विल सी कि H2 नेगेटिव है, H1 पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन भी जो आपका होगा, मैग्निफिकेशन दिस विल बी लेस देन 0 और आई विल से मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। जब रियल इमेज फॉर्म होगी सो यू विल से मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू अ नेगेटिव वैल्यू। एंड व्हाट अबाउट फॉर वर्चुअल इमेजेस? जो हमारी इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज में आपने देखा है
ऑब्जेक्ट जब आप सीधा रखते हैं तो इमेज भी ऐसी ही फॉर्म होती है, जब आप ऑब्जेक्ट को ऐसा रखेंगे तो इमेज ऐसी फॉर्म नहीं होगी, ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा। अगर इमेज ऐसी फॉर्म हो रही है तो इट मीन्स इमेज इज अ रियल इमेज, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसी ही है इट मीन्स इट्स अ वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज में क्या होगा, एच टू भी पॉजिटिव होगा एच वन भी पॉजिटिव होगा। सो आई विल से मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। तो इमेज के नेचर के बेसिस पे हम इस तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब रियल इमेज जो होती है वो एनलार्ज भी हो सकती है। अब अगर रियल इमेज एनलार्ज है इट मीन्स एनलार्ज होने की वजह से उसका मैग्निफिकेशन तो वन से बड़ा है, लेकिन क्योंकि वो रियल इमेज है इसलिए वो मैग्निफिकेशन निगेटिव है। सो जैसे मैं कहता हूँ कि मैग्निफिकेशन इज -2.3, तो -2.3 मैग्निफिकेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो माइनस को देखें, तो माइनस कब होता है, जब इमेज रियल होती है। तो इट मीन्स रियल इमेज देखने पे या माइनस देखने पे अगर हमें रियल इमेज माइनस देखने पे अगर हम पहला कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं वो ये कि इमेज हमेशा रियल फॉर्म होगी। ओके, रियल इमेज हो गई। देन 2.3 इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। 2.3 अगर मैग्निफिकेशन है इट मीन्स इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है। सो -2.3 मैग्निफिकेशन कंप्लीट मुझे ये बताता है कि इमेज एक रियल इमेज है और एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हुई है। ओके, नाउ अगर हम लेंस की बात करें तो फॉर कॉनकेव लेंस के लिए आप क्या समझ सकते हैं। हमने देखा है कि कॉनकेव लेंस में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दीजिए, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं पे भी रख दीजिए, आप कहीं पे भी जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे यू विल फाइंड कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इमेज एक वर्चुअल इमेज है, बिकॉज कॉनकेव लेंस सारी लाइट उस पर गिरने वाली जो भी लाइट है उसको डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्ज होने से क्या होगा, लाइट रे कभी भी मीट ही नहीं करेगी। जब लाइट रे मीट नहीं करेगी तो इमेज हमेशा वर्चुअल फॉर्म होगी। इट मीन्स कॉनकेव लेंस के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और क्या होगा पॉजिटिव के साथ, हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमेशा छोटी ही फॉर्म होती है, तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव के साथ लेस देन 1 भी दिखाई देगा। This is basically for concave lens. तो positive magnification और less than one magnification हम concave lens के लिए कह सकते हैं कि concave lens में हमेशा ऐसा होगा, आप object को कहीं पर भी रख लें magnification 1 से छोटा ही होगा और हमेशा positive ही होगा। लेकिन for convex lens अगर हम बात करें तो convex lens के केस में चीजें बदल जाती हैं। Why? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इन्फिनिटी पे हमने देखा कि फोकस पे इमेज बनती है, जैसे जैसे आप उसको इन्फिनिटी से क्लोज शिफ्ट करते जाते हैं तो वैसे वैसे इमेज का साइज ग्रो होता जाता है, लेकिन ग्रो इतना नहीं होता कि ऑब्जेक्ट के साइज को मैच कर जाए। फाइनली जब आप उसको क्लोज करते करते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाके रखते हैं तब आप देखते हैं कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो एग्जैक्टली सेम साइज की फॉर्म होती है। मीन्स इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक क्या होगा, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इमेज तो रियल फॉर्म होगी लेकिन इमेज का साइज नीचा होगा, कम होगा, छोटा होगा। सो आई विल से फॉर इस केस में कॉन्वेक्स लेंस में हम अलग अलग केसेस बनाते हैं, इन्फिनिटी टू सी सेंटर ऑफ कर्वेचर आई विल से मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक रियल इमेज है एंड मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इमेज छोटी होगी। फाइनली सेकेंड केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रख देंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन अगेन नेगेटिव तो होगा ही होगा। Why? Because image तो रियली फॉर्म हो रही है, हमने देखा था, लेकिन मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज जो इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी।
देन थर्ड केस, अगर आपने सी एंड सी टू एफ के बीच में कहीं पे भी रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो आपने देखा आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ शिफ्ट करते जाते हैं वैसे वैसे उसका साइज और ग्रो करता जाता है, तो इमेज अभी भी रियल ही फॉर्म होती है लेकिन मैग्निफिकेशन वन से बड़ा होने लगता है। क्या मैं कह सकता हूं एट फोकस भी सेम कंडीशन होगी? यस, एट फोकस भी हम देखेंगे मैग्निफिकेशन वन से बड़ा ही होगा और रियल ही होगा, क्योंकि फोकस पे रखने पे क्या होता है, लाइट रेज रिफ्रैक्ट होके इन्फिनिटी पे इमेज बनाती है। इन्फिनिटी पे इमेज, इन्फिनिटी जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इन्फिनिटी इज नॉट अनडिफाइंड, इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू। जैसे अगर आपका जो लेंस है वो 5 या 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है तो 50 सेंटीमीटर विल बी अ इन्फिनिटी फॉर दैट लेंस। तो इट मीन्स इमेज तो बनेगी, इन्फाइनाइट साइज का ये मतलब नहीं कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी। कि आपने छोटा सा एक ऑब्जेक्ट लिया, एक लेट से एक एंट को रख दिया किसी लेंस के सामने तो वो ऐसा पहाड़ जैसी दिखे, ऐसा नहीं होगा। इमेज विल ग्रो, इमेज एनलार्ज होगी लेकिन बहुत ज़्यादा भी एनलार्ज नहीं होगी, प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं होती। थियोरेटिकली हम कहते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है। ओके, तो एट एफ के लिए भी हम सेम ही केस लेंगे, सो आई वॉन्ट राइट दिस। देन फोकस से जब आप उसको अंदर लेके आते हैं तब थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है। जब आप ऑब्जेक्ट को एफ एंड या एफ टू पी के बीच में रखते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस से अंदर खिसकाते हैं और पोल के पास लेके जाते हैं तब क्या होता है? जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को फोकस से अंदर रखेंगे, थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करेंगे, उसकी इमेज वर्चुअल फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। इमेज वर्चुअल फॉर्म होनी शुरू ही, इट मीन्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इमेज का साइज कैसा होता है, हमने देखा था रे डायग्राम में, इमेज का साइज बड़ा होता है। जो इमेज वर्चुअल है वो मैग्निफाइड भी होती है। इट मीन्स जब मैं फोकस से पोल की तरफ मूव करता जाऊंगा सो मैग्निफिकेशन विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन वन। सो दीज आर द 4 different cases जो कॉन्वेक्स लेंस में हमें देखने को मिलेंगे। ये केस एक है जो कॉनकेव लेंस में मिलेगा। कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट का एक ही केस है, दिस वन। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें इमेज हमेशा लेस देन वन होगी और पॉजिटिव ही होगी, मैग्निफिकेशन इसी तरह से होगा। सो मैग्निफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हमें छोटी छोटी ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, बिकॉज क्वेश्चन ऐसा आ जाए अगर कि मैग्निफिकेशन इज -0.96 और बताइए इमेज का नेचर, तो आप सिर्फ मैग्निफिकेशन को देख के इमेज का नेचर बता सकते हैं। सो मैथमेटिकली ये टूल हमारे पास कितना अच्छा अवेलेबल है कि सिर्फ इस टूल को देख के, सिर्फ इसे देख के हम बता सकते हैं कि इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, क्या वो कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म हो रही है, क्या वो कॉन्केव लेंस में फॉर्म हो रही है, ये भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं। बिकॉज अगर इमेज वर्चुअल होगी और छोटी होगी तो आई विल से कि वहाँ पे कॉन्केव लेंस ही यूज हो रहा है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस में आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी केस अवेलेबल नहीं। वर्चुअल इमेज बनती जरूर है लेकिन वर्चुअल इमेज का साइज बड़ा हो जाता है। तो अगर वर्चुअल इमेज बोल रहा है और साइज बड़ा बोल रहा है मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। और दूसरी चीज हम ये पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर हम ये बता लें कि इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे फॉर्म होती है, ये इस केस में इमेज कहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो हम आसानी से रे डायग्राम भी स्केच कर सकते हैं। हमें बता दिया कि मैग्निफिकेशन इज लेट से -1, तो -1 मैग्निफिकेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम साइज का है, इमेज के बिल्कुल बराबर है, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन इमेज जो है वो निगेटिव बन रही है। निगेटिव मीन्स रियल इमेज बन रही है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इमेज की पोजिशन हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल, सो यू कैन नोट दिस।